अरसनारा के सरपंच की मनमानी से परेशान पंचों ने सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दिया ज्ञापन। वहीं पंचों ने कहा कि आय व्यय की जानकारी न देकर सरपंच गांव की मिट्टी तक को धड़ल्ले से बेच रहा है। ग्राम अरसनारा के सरपंच की मनमानी से परेशान पंचों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुँच सरपंच की तानाशाही की शिकायत का जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। करीब 20 की संख्या में पहुंचे पंचों ने विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के नाम आवेदन बनाकर ग्राम पंचायत के सरपंच पवन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने ज्ञापन दिया, जिस पर पंचों ने गुमराह कर ग्राम पंचायत के बैठक के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए जगह छुड़वाकर बाद में अपनी मनमर्जी से लिखवाना, बैंक से रकम आहरण करना, मनरेगा के अधिकार कार्यों को मजदूरों का काम से वंचित रखा जाना, साथ ही मिट्टी मुरम को व्यक्तिगत रूप से बेचकर प्रत्येक माह के आय व्यय की जानकारी नहीं दिया जाना सहित अन्य विषयों का आधार बनाकर पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पंच के मनमानी से बहुत त्रस्त हो गए, इसीलिए हम एग्री पहुँचे हैं जरूरत में। हर चीज में हमारा कोई पूछते नहीं है, अपन मर्जी से हर चीज से काम कराते, गांव कुछ विकास नहीं कराते, अपने बस के विकास कराते। ग्राम सरपंच मनमानी को देखते हुए आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर हम कलेक्टर और इस टीम के पास आए हैं और मनरेगा के तहत मट्टी चोरी और पेड़ कटाई और रचनारक वार्ड क्रमांक एक का पंच हूँ। ये सभी मेरे साथ खड़े हैं, सभी लोग पंच है। हम ग्राम रचनारक सरपंच पवन कुमार साहू के मनमानी करण त्रस्त हो चुके हैं। मिट्टी चोरी, लकड़ी कटाई और मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, बोलता है जो करना है कर लोग बोलता है। मैं एक बार और शिकायत की था इससे पहले, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना गया। अभी आपके अविश्वास प्रस्ताव के लिए SDM महोदय जी कर लगा दिया हूँ, कलेक्टर के पास भी लगा दिया हूँ। ये सही पंच महोदय है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।